नमस्कार, बज स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम हैं कामड़े में। जैसे ही आप पिस्का मोड से आगे आप बढ़ेंगे तो कामड़े में हम हैं, जहाँ पर है सुयोग फर्मा। आपको बताते चले कि सुयोग फर्मा के डिफरेंट विंग्स हैं। उसी विंग्स में एक सेल्टर मॉल पंड्रा में है सुयोग फर्मा। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो कामड़े में भी है सुयोग फर्मा, और जल्द ही हरमू और बिश्रा चौक में इनकी शुरुआत होने वाली है। बरियातु में ऑलरेडी सुयोग हॉस्पिटल के नाम से इनका विंग चल रहा है। अभी हम हैं कैमरे में, आप देख सकते हैं डॉक्टर श्रणांजलि प्रियानु के पास हैं, जो कि सुयोग फर्मा में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। डेंटिस्ट हैं। सारी बातचीत उनसे करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डेंटिस्ट के क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं और किस तरह से वो ट्रीटमेंट करती है। मैम नमस्कार, हमारे चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वरांजलि प्रियानु है। मैंने अपनी डेंटिस्ट्री 2020 में कंप्लीट किया है हजारीबाग डेंटल कॉलेज से जी। उसके बाद इंटर्नशिप के बाद 2021 में मैं एज अ जनरल डेंटिस्ट प्रैक्टिस करने लगी। मैंने खुद का अपना क्लिनिक सेट किया हजारीबाग में। आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग मैं रांची शिफ्ट हो गई, और फिर ये 2023 मई से मैं सुयोग फार्मा के साथ जुड़ गई हूँ एज अ जनरल डेंटिस्ट और डेंटल सर्जन। तो ये थी मेरी बेसिक पढ़ाई, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे काम स्टार्ट करने के बाद या कामड़े में मैं पिछले 3 मंथ से डेंटल सर्जन जी। मैम जैसे अभी मौसम बदल रहा है, बहुत सारे डेंटिस्ट के फील्ड में कई सारे बदलाव हम देखते हैं, और हमने भी कई सारे इंटरव्यूज़ पहले किए लोगों से मिले हैं, तो कुछ ना कुछ डेंटिस्ट्री के फील्ड में परिवर्तन नया नया कुछ आता रहता है। तो आप तो अभी मैम एज अगर हम बात करें डेंटिस्ट्री के फील्ड में, आपकी नज़र में कौन कौन से बदलाव अभी और देखने को आने चाहिए? सबसे पहले तो डेंटिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको साथ में पेशेंट का चेकअप के साथ उनका ट्रीटमेंट भी करना होता है। तो डेंटिस्ट्री के ट्रीटमेंट में हम जो इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल प्रोसीजर इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं, उसमें हमेशा हर बार आपका कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जैसे अभी हुआ है कि जैसे डेंटल ट्रीटमेंट जो हम RCT बोलते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। हमारा जो दांत होता है वो 3 लेयर का बना होता है जनरली। सबसे पहला लेयर एक इनेमल होता है, फिर डेंटिन होता है, और एक पल्प होता है जो नस हम लोग जिसको बोलते हैं। वो पल्प बना होता है बहुत सारे टिश्यूज़, नर्व्स, ये ब्लड वेसल्स है। तो हमारा जब कैविटी जिसको बोलते हैं, जिसको लोग जनरली नज़रअंदाज करते थे इनिशियल स्टेज में, तो वो अगर धीरे धीरे क्या होता है, वो 3 लेयर के अंदर तक चला जाता है और वो नस को ख़राब कर देता है, जो जिसकी वजह से रेगुलर पेन होता है। फिर भी लोग हैं वो उतना ध्यान नहीं देते, वो दर्द की दवा खा लेते हैं, फिर कुछ दिन में वो सड़ते सड़ते वो पूरा आपका जो जिसको हम लोग गम्स बोलते हैं वो पूरा इन्फेक्ट कर देता है। एंड देन आफ्टर हम लोग उन पेशेंट्स को रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं। रूट कनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा डेंटल प्रोसीजर है जिसमें हम दांतों की नस की सफाई करते हैं और उस दांत को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे पहले था कि रूट कनाल ट्रीटमेंट में जब हम लोग इंडोडोंटिक फाइल्स यूज़ करते थे, जो हैंड फाइल्स होते थे, अब धीरे धीरे जैसे वो बढ़ते चला जा रहा है तो उसमें हम लोग इंडोमोटर यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इंडोमोटर है, इसमें हम फाइल्स को लगा देते हैं। इसका सिंपल ये दांतों की सफाई का काम आता है। ठीक है, नस को अच्छे से ये साफ करता है। एक ये हो गया। पहले था कि जो एक्सरे होता था बहुत लंबा टाइम लगता था, उसका फोटो बाहर निकल के आता था। अब हम कंप्यूटर के थ्रू एक्सरे, डिजिटल एक्सरे यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर है, अभी तो RVG उसको बोलते हैं। अब आ गया पोर्टेबल एक्सरे। पोर्टेबल एक्सरे आपको 1 मिनट में हैंडी होता है। जैसे आप ये एक्सरे मेरे पास देख सकते हैं, ये एक्सरे अलग है, एक पोर्टेबल एक्सरे आ गया है। फिर स्केलर हो गया। स्केलर पहले हाथ से हम लोग जो दांत की गंदगी होती थी वो हम लोग हाथ से सफाई करते थे। आप वहाँ देख सकते हैं वो एक्सरे है, वो अल्ट्रासोनिक स्केलर है। उससे पेशेंट को कोई तकलीफ भी नहीं होती है, उसमें दांतों की सफाई तुरंत आसानी से हो जाती है। फिर होता है दांत निकालना, एक्सट्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि अभी आ गया फिजिकल एक्सट्रैक्शन मशीन, उसमें पता भी नहीं चलता है पेशेंट का दांत निकल जाता है। थर्ड थिंग जैसे होता था क्या कि अब पेशेंट का दांत नहीं है, खाली है, तो हम लोग उसमें उठाने बैठाने वाला, आप लोग देख सकते होंगे उस तरह का उठाने बैठाने वाला दांत आता था। अब क्या आने लगा है, FPD जिसको परमानेंट हम लोग बोलते हैं, वो दांतों में लग जाता है, बिल्कुल दांत की तरह दिखने वाला। ये आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है,
ठीक है, ये दांत की तरह है, इसको हम लोग पेशेंट के दांत में लगा देते, पता भी नहीं चलता है ये कि ओरिजिनल है। तो ये सारे बहुत सारे तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग दिन ब दिन। सवाल ये करना चाहेंगे, जैसे आपने आरटीसी के बारे में कहा, लेकिन ख़ास करके जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की जब बात आती है या फिर अगर छोटे बच्चे होते हैं, तो कितने उम्र के बच्चों की शुरुआत आरटीसी से हो जाती है? आरसीटी, एक्चुअली आरसीटी तो बड़े लोगों में एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग पूरा का कनाल को साफ करके उसमें फिर मेडिसिन भर के वो करते हैं। बच्चों में क्या होता है, जैसे वो तीन चार सालों से उनका दांत जो होता है वो प्राइमरी रहता है, फिर भी वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, तो आरसीटी उसमें भी होता है लेकिन उसका अलग है, उसको हम लोग पल्पोटोमी बोलते हैं, एपेक्सिफिकेशन बोलते हैं, एपेक्सोजेनेसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, जो जैसे बच्चों का दांत है, अब जड़ तो तुरंत बनता नहीं है, तो वो धीरे धीरे बनता है, उसमें अगर आरसीटी हम लोगों को करना होता है तो हम लोग का जो जड़ है उसको क्लोज करके वो बहुत डिफरेंट स्टेप्स हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप, हमने 5 साल के बच्चों का भी आरसीटी किया है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी दांत है, मतलब प्राइमरी किसको बोलते हैं, जो दूध का दांत रहता है उसमें भी होता है। वही है कि आरसीटी का 10 तरह का मतलब नाम है, वो डिफरेंट डिफरेंट सबका अपना अपना होता है। तो जैसे कुछ हल्का पल्प को साफ करके बचाना, दांत बचाने का कोई उम्र नहीं है, वो हम लोग दूध के दांत को भी बचाते हैं, हम लोग जो परमानेंट होता है उसको भी बचाते हैं। मैम, जैसे आपके पास पेशेंट आता है, जैसे कि आरटीसी की बात करते हैं, जनरल एक दो अगर कोई बताएं कि शॉर्ट में कि एक दो और क्या तकलीफ लेकर के पेशेंट ज़्यादा आपके पास आएगी? बहुत सारी, यहाँ तो सारे तरह के पेशेंट होते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका दांत आगे पीछे रहता है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े दांतों का, उसका हमारे पास ट्रीटमेंट आसान हो जाता है, हम लोग ब्रेसेस लगा के करते हैं। आजकल तो अलाइनर्स का भी ज़माना आ गया है, तो अलाइनर्स का भी हमारे पास ऑप्शन है, उसमें अलाइनर्स दिया जाता है जो इनविजिबल रहता है, वो दांतों को सेट कर देता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होता नहीं है, हम लोग वो भी करते हैं। दांत निकालते, जिसका दांत हम लोग तभी निकालते हैं ना वर्स्ट केसेस में, जब उस दांत को बचा नहीं सकते, बचाने की होती है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला होता है कि हम दांत बचा सकें, पेशेंट को उनके तरह का हम काम उनके हिसाब का दे सके, क्योंकि दांत निकालना वर्स्ट केसेस में जब दांत हिलने लगा या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बचाने का, या पेशेंट की मर्जी अगर हुई कि हमें दांत ही निकाल दीजिए, तब हम पेशेंट का दांत निकालते हैं। वरना हमारे लिए पहला रहता है कि हम कितना आसानी से उस दांत को बचा सकें, ठीक है। और अगर दांत निकालते भी हैं तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप क्राउन्स लगवा लीजिए, देखिए मेरे पास ये सारे क्राउन्स और दांत निकालने वाला बिठाने जो फिक्स्ड होता है, हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरा होता है कि जैसे अब कुछ पेशेंट्स होते हैं ना, उनके दांत में सड़न नहीं होती है, ठीक है, फिर वो आते हैं कहते हैं हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हम चेक करते हैं, एक्सरे लेते हैं, पता चलता है कि उन्हें पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है। अब पेरियोडोंटल प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारे दांत जो है ना, सिर्फ वो नहीं, मसूड़े के अंदर का दिक्कत, अब उसको अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपका मसूड़ा है वो दांत को छोड़ने लग जाता है, अब वो छोड़ता है तो उसकी वजह से दर्द होने लगता है। तो वैसे कुछ होते हैं जिनका अल्सर वगैरह हो गया दांत में, मतलब मुंह में अल्सर हो गया, उनके पास हमारा सॉल्यूशन है, दांत गंदगी है उसका सॉल्यूशन है, फिर बच्चों का सॉल्यूशन है, मतलब हर तरह का हमारे पास जितना भी। आप स्माइल डिज़ाइनिंग की बात बोली, किन की थोड़ी सी मतलब वो चाहेंगे कि हमारा दांत जो है वो कल खूबसूरत दिखे, उसका भी हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट है, हम लोग स्माइल डिज़ाइनिंग भी करते हैं। गम्स का हो गया जो आप कह रहे हैं, उसका भी हो गया, और हम जनरली पेशेंट इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को, वो दवा अगर आते हैं फिर इग्नोर करके चले जाते हैं। हमारा मोटो क्या है कि हम पेशेंट को एजुकेट करें कि सिर्फ दांत का प्रॉब्लम सिर्फ दांत का नहीं है, दांतों का जो प्रॉब्लम होता है वो पूरे शरीर से भी प्रॉब्लम, शरीर से रिलेटेड भी होता है। अगर आपका दांत सही नहीं है, बैक्टीरियल आपका ब्रेन को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का वो कर सकता है, जो भी बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं, आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है उनसे। डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन है, आप ज़्यादातर देखेंगे कि 95% पेशेंट्स जो डायबिटीज़ होते हैं ना, उनके मुंह से ही प्रॉब्लम होती है। एक तो बैड ब्रेथ, इन सब का भी प्रॉब्लम होता है। प्रेगनेंसी में तो खास करके और ध्यान देना चाहिए, हर 2 से 3 महीने में अपने डॉक्टर को के पास जा कर के ट्रीटमेंट जो भी होता है वो करवा लेना चाहिए। और हमारे पास है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट हो कम पैसों में बिल्कुल एक रेयर सुविधाएँ ले सकें, हाँ, ज़्यादा सुविधाएँ हम लोग यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकें जितना हो सकता है। मैम, हमसे बात करने के समझने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही अपडेट्स जो कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए उसके लिए हम आपके सामने मिलते रहेंगे। लास्ट सवाल ये मेरा, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी, अपने ध्यान
अपने हेल्थ का, चाहे वो दांत से रिलेटेड हो, हेल्थ से कोई भी प्रॉब्लम, आपको हल्का सा भी दिक्कत है, आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। हमारे पास ऑर्थो के भी डॉक्टर है, हड्डी के भी डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन भी है, गायनोकोलॉजिस्ट भी है, हमारे पास खुद फार्मेसी है। हम कह सकते हैं मैम कि कहीं दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ ब्लड टेस्ट से लेके किडनी टेस्ट, आपका सारा टेस्ट भी हो जाएगा। अगर आपको इंजेक्शन लगवानी है, जो भी करना है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास जैसे चलते फिरते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे पास वो भी फैसिलिटी है कि हम सारे कुछ वो कर सकें। बेसिक्स हमारे पास जो भी है हम करते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स ऑन कॉल, अगर मान लीजिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपके एक कॉल पे डॉक्टर आधा घंटा में आपके पास मौजूद हो जाएंगे, ऐसा फैसिलिटी है। और कम पैसों में हम सारा ट्रीटमेंट करने का हमारा मेन प्रायोरिटी है कि हमारे पेशेंट जब यहाँ से निकले तो वो खुशी खुशी कंफर्टेबल। हमारे पास ऊपर फार्मा है, तो आपको फार्मा में भी हमारे पास ये है कि आप उस टाइम पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, हम 20% ऑफ भी देते हैं और फिर पेशेंट को वो मेडिसिन आधे घंटे में हम लोग पहुँचा देते, डिलीवर कर देते हैं। अब हम धीरे धीरे ऑनलाइन भी आ रहे हैं कि पेशेंट ऑनलाइन ऑर्डर कर सके मेडिसिन, हाँ, तो हम लोग उनको डिलीवरी दे सके। ये भी शुरुआत हमारे पास होने वाली है। और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहेंगे कि आप लोग अपना हेल्थ पे, क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा नहीं है, अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन खाने से बेटर है कि आप एक बार डॉक्टर से दिखा। हमारे पास फ्री कैंप भी अभी चल रहा था काफ़ी दिन तक, मतलब पेशेंट्स आ रहे हैं फ्री में भी। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो नहीं कर पाते हैं, मतलब पैसे उतना नहीं कर पाते, तो हम उन्हें मिनिमम रेट में उनका ट्रीटमेंट करके देते हैं। हमसे बात करने को समझ लिया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें और अपने डॉक्टर्स को विजिट ज़रूर करें। तो ये थी सुरांजलि मैम जो बता रही थी सुयोग फार्मा से कि बहुत अच्छी बात इन्होंने ये कही कि लोग अवेयर होना चाहिए लोगों को। तो ऐसी खबर जो आपको इंस्पायर करे उसके लिए देते रहे बजट स्टोरी। और कैमरे के पीछे राजीव है, मेरा नाम केशव कृष्ण।